अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स। जैसे कि आपको पता है कि जो आपके पास लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज नंबर 17.2। अब हम नेक्स्ट आगे मूव ऑन होते हैं। जो आज के आपके पास एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 17.3। अब 17.3 का जस्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूड है और क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू ALP। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं, समझते हैं उसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर। आपने क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटर बनाना है ABCD। यानी कि क्वाड्रिलेटर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ऐसी क्लोज फिगर जिसकी चार साइड्स हों, क्या होता है आपके पास क्वाड्रिलेटर होता है। यानी कि जब भी आपके पास ट्रायंगल का जिक्र आता था, जो हमने लास्ट टॉपिक किया उसमें आपको पता था कि ट्रायंगल की तीन साइड्स होती थी, जब भी आपके पास क्वाड्रिलेटर का जिक्र आएगा तो आपको ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि क्लोज फिगर जिसकी कितनी शेप्स हों, चार साइड्स हों, तो आपके पास वो क्या होगी, क्वाड्रिलेटर आएगी। और क्वाड्रिलेटर का जब भी नाम आएगा तो आपके पास चार पॉइंट्स आएंगे। जैसे ABCD आया हुआ है, आपके पास PQRS आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन चार पॉइंट्स आएंगे। जैसे ट्रायंगल का जिक्र आता था आपके पास तीन पॉइंट आते थे, इसी तरह जब भी आपके पास क्वाड्रिलेटर का जिक्र आता था आपके पास चार पॉइंट आएंगे। हैविंग मेजरमेंट उसमें AB एंड AC, यानी कि जो AB और AC है वो आपस में इक्वल है, वो है 5.3 सेंटीमीटर। AB और AC उसने कितना दिया हुआ है, 5.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी तरह जो उसने BD और CD दिया हुआ है मेजरमेंट, जो इनकी लेंथ है वो 3.8 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट AD कितना दिया हुआ है, 2.8 सेंटीमीटर। यानी कि ये आपके पास गिवन थिंग्स हैं, पॉइंट्स हैं, तो आपने इनकी मदद से क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करनी है। तो आप क्वाड्रिलेटर ड्रा करने का तरीका क्या, सबसे पहले आपके पास AB कितना दिया हुआ है, 5.3 सेंटीमीटर, तो आप 5.3 सेंटीमीटर की क्या कर दें, लाइन लगा दें नीचे। देन आपके पास जो BC दिया हुआ है, BC को पता है आपके लेंथ आपके पास, एक सेकंड बच्चे, जो बच्चे आपके पास BC दिया हुआ है आपको पता है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 3.8 दी हुई है। तो आप B पे रख के कंपास को सबसे पहले आप अपने स्केल की मदद से ओपन करेंगे, 3.8 सेंटीमीटर ना, यानी कि जो फर्स्ट इसका पॉइंट होता है, जो इसका कंपास का ये जो नोकदार पिन होता है, इसको आप जीरो पर रखेंगे और सेकंड आपने कितना खोला है, 3.8 सेंटीमीटर। अब 3.8 सेंटीमीटर आप इसको मेजर कैसे करेंगे, देखिए बेटा ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, 3.1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि ये जो आपके पास छोटी लाइन्स हैं, ये आप 8 तक करेंगे तो आपके पास 3.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब आपके पास 3.8 सेंटीमीटर आ गया, देन आपने यहाँ पे रख के इधर एक कट लगा देना, जैसे ये मैंने लगाया था, जो आपके पास जो मैंने ड्रॉ की हुई है। नेक्स्ट आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये दूसरा कट है, ये हम कितने का लगाएंगे और कहाँ पे रख के लगाएंगे, क्योंकि मेन कट यही है जिसकी मदद से आगे ट्रायंगल बनेगी। तो आप देखें आपके पास जो AC है वो कितना दिया हुआ है, 5.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर मैं देखूँ क्वेश्चन में तो AC कितना दिया हुआ है, 5.3 सेंटीमीटर, यानी कि AC की लेंथ आपके पास 5.3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास कंपास है इसको ओपन करना है 5.3 सेंटीमीटर। जब आपके पास ये 5.3 सेंटीमीटर ओपन हो जाएगी तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे पॉइंट रखा, यानी कि A पे पॉइंट रख के जाके कट लगा देना है। एक मिनट में इसको 5.3 ओपन करके आपको लाइन लगा के भी बता देता हूँ। यहाँ पे रख के आपने 5.3 सेंटीमीटर का क्या करना है, ये देखें ये ओपन हो गया है, यूं कट लगा देना है 5.3 सेंटीमीटर का। देन आपको आपने स्केल की मदद से बी और सी को ज्वाइन कर लेना है। फोर्थ पॉइंट के लिए आपने पहले सी पे रख के, अब क्योंकि आपके पास CD दी हुई 3.8 सेंटीमीटर, तो आपने सी पे रख के 3.8 सेंटीमीटर की कट लगाना है। देन आपने ए पे रख के 2.8 सेंटीमीटर का कट लगाना है। देन आपने फोर्थ पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, तो आपके पास आपकी गिवन ट्रायंगल कोऑर्डिनेट आ जाएगी। ये थी इसकी यानी कि वर्किंग के हाउ टू कंस्ट्रक्ट। अब इसके आपके पास है कंस्ट्रक्शंस, तो चलें हम इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। आप लोग कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल लें अपनी कॉपीज पे, हम इस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने AB लाइन लगाई थी 5.3 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट पॉइंट होगा विद द
सेंटर ए एंड बी रेडियस ड्रा 5.8 सबस्प्लिटिक मेजरमेंट ए बी आपने कितने किया हुआ है 5.3 सेंटीमीटर की हुई है। सेकंड पॉइंट आपके पास विद द सेंटर एट ए एंड बी ड्रॉ एंड आर्क ऑफ थ्री पॉइंट एट सेंटीमीटर एंड विद द सेंटर ए ड्रॉ एंड आर्क ऑफ 5.3 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपके पास जो सेंटर है ए और बी, सबसे पहले आपने बी की मदद से आर्क ड्रॉ करनी है 3.8 सेंटीमीटर जो हमने ये किए हुए है, एंड देन ड्रॉ एन आर्क ए आर सी बच्चे आर्क ऑफ 5.3 सेंटीमीटर। तो ए से आपने कितनी आर्क ड्रॉ करनी है 5.3 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, देन ज्वाइन पॉइंट ए सॉरी पॉइंट बी टू सी एंड विद द सेंटर सी ड्रॉ एंड आर्क ऑफ सॉरी 3.8 सेंटीमीटर एंड विद द सेंटर ए ड्रॉ एंड आर्क ऑफ 2.8 सेंटीमीटर विच कट द आर्क drawn from point C, join the C to D and A to D। तो जब आप C को D के साथ join करेंगे और A के साथ D को join करेंगे तो आपके पास required triangle आ जाएगी। ये था इसका part वन। अब part टू जो है इसका question number वन के first two part इंक्लूड है। जो सेकंड पार्ट है आपके पास इसके पास वो दिया हुआ है, ऑन दी साइड बी सी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। यानी कि आपके पास दे दिया गया है कि आपने जो आपके पास ऊपर डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर वन में, तो आपने उसी की मदद से एक ट्राइंगल ड्रा करनी है जिसका एरिया आपके पास इक्वल हो, जो आपके पास क्वाड्रिलेटर का एरिया है उसके पास इक्वल हो। तो आप सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह आपने पार्ट वन में आपने डायग्राम सॉरी बनाई थी, तो पार्ट टू में भी आप क्या कर लें उसका, सबसे पहले आप फिगर बना लें, देन हम मूव ऑन होंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट के हम कैसे उसका बना लेंगे, आपके पास जो ट्रायंगल होगा वो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका एरिया इक्वल होगा क्वाड्रिलेटर के एरिया से। तो बच्चे बिल्कुल सेम स्टेप्स वही हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है 3.8 सेंटीमीटर 5.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, देन पॉइंट ए पे रख के 3.8 सेंटीमीटर कट लगाना है, देन बी पे रख के 5.3 सेंटीमीटर कट लगाना है। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट आउट करेंगे इसको हमने सी का नाम दे देना, देन हमने बी को सी के साथ ज्वाइन कर देना है, देन हमने सी पे रख के 3.8 सेंटीमीटर कट लगाना है और ए पे रख के 2.8 सेंटीमीटर कट लगाना है। जहाँ पे ये ज्वाइन करेंगे हम उसको डी का नाम दे देंगे। ये तो था आपके पास पहला क्वेश्चन जिसमें आपने ड्रॉ की थी इसकी फिगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास के आपने ये प्रूफ करना है कि जो इसके या आपने एक ऐसी ट्रायंगल बनानी है जिसका एरिया इक्वल हो इस क्वाड्रिलेटर के एरिया से। तो आपने बच्चे सबसे पहले तो बच्चे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ करनी है 5.3 सेंटीमीटर की, देन आपने पॉइंट बी पे रख के 3.8 सेंटीमीटर क्या लगाना है कट लगाना है
पॉइंट बी पे रख के 3.8 सेंटीमीटर का आपने कट लगा लिया, देन आपने पॉइंट ए पे रख के ना 5.8 सेंटीमीटर का जो रेडियस होगा यहाँ पे रख के आपने कट लगाना जो इधर कट कर रहा होगा। फिर आपने क्या करना है, बी और सी को क्या कट कर देना है, आपस में ज्वाइन कर देना है, देन आपने सी पे रख के 3.8 सेंटीमीटर कट लगाना है और ए पे रख के 2.8 सेंटीमीटर का कट लगाना है, देन आपने डी और सी को क्या कर देना है, आपस में ज्वाइन कर देना है और ए को डी को आपस में क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। अब नेक्स्ट आपके पास बात आ गई कि आपने एक ऐसी ट्राइंगल बनानी है जिसका एरिया इक्वल हो आपके पास गिवन क्वाड्रिलेटर के एरिया से। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो ए से थी थोड़ी सी लाइन क्या कर देनी है, खुद ही एक्सपेंड कर देनी है। देन आपने क्या करना है, जो आपके पास देखें अब आपको याद हो कि आपने जो क्वेश्चन में किया था, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कट लगाया था, तो आपने सी और ए को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है और आपने इसको डॉटेड लाइन की मदद से ज्वाइन करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसको डॉटेड लाइन की मदद से क्यों करना है, हमने दूसरी लाइन्स की मदद से यानी कि परमानेंट लाइन की मदद से क्यों नहीं करना, क्योंकि ये आपके पास क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, आपने ये चीज़ फाइंड नहीं करनी, ये तो हम खुद सपोज कर रहे हैं ना। तो आपने इसको डॉटेड लाइन की मदद से कर लेना है। देन आपके पास जो आपके पास कंपास होगा, लेट्स सपोज इसको मैं इतना ओपन करता हूँ, यानी कि इसको आप अपनी मदद से जितना मुनासिब हो सके ओपन करेंगे। देन आपने यहाँ पे रखना है, एक कट यूँ लगाना है और देन आपने यहाँ पे लेके जाना है और एक कट यूँ लगाना है। ठीक है बच्चे, जो मैंने एक कट ये लगाया और एक कट क्या लगाया, ये लगाया। देन आपने इस कंपास को क्लोज करना है, जो आपके पास जो आर्क, ये वाली आर्क बनी है ए सी के दरमियान में, ये जो आर्क बनी है आपने इतनी आर्क ओपन क्लोज कर लेना है। देन आपने यहाँ पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है। देन आपने क्या करना है, जो आपके पास स्केल होगा, स्केल की मदद से आपने जो ये आर्क की बिल्कुल साथ से पास हो और आपने एक लाइन ज्वाइन कर देनी है और ये भी आपके पास डॉटेड लाइन होगी, जो कि आप डी से लेके इधर इस पॉइंट को, सर मैं बी का नाम दे देता हूँ, डी से लेके पी तक आप करोगे ज्वाइन करोगे, ये भी लाइन आपके पास क्या होगी, डॉटेड होगी। बच्चे ये मैं आपको अभी फिर बता रहा हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ हमने सपोज करनी है वो आप डॉटेड लाइन में करोगे। ठीक है, ये भी आपके पास डॉटेड लाइन होगी। अब आपके पास पॉइंट पी आ गया, तो आपने सिंपल क्या करना है, सी और पी को क्या कर देना है, आपके पास ज्वाइन हो जाएगा, तो आपके पास गिवन ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगी। ये थी आपके पास एक्सरसाइज नंबर इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम लिख लेते हैं, फिर हम अगली एक्सरसाइज तरफ मूव ऑन होते हैं। कंस्ट्रक्शंस में सबसे पहला पॉइंट लिखें आप, विद द सेंटर एट ए एंड बी, रेडियस 5.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। सेकेंड पॉइंट आपके पास, टेक मेजरमेंट ए बी इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। थर्ड पॉइंट है आपके पास, विद सेंटर एट बी एंड रेडियस 3.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ अनदर आर्क। To cut the first arc at D, fourth point है आपके पास, join BC and AC fifth point आता है आपके पास, with the center at C and radius 3.8 centimeter, draw another arc छठा part है आपके पास, विद द सेंटर ए एंड रेडियस
2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ अनदर आर्क, कट टू कट द फर्स्ट आर्क एट डी, सातवां पॉइंट है आपके पास ज्वाइन ए डी एंड डी सी टू कंप्लीट द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। देन नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कंस्ट्रक्शन का आता है, वो मैं इधर लिख लेता हूँ। आठवें आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास पॉइंट एट थ्रू डी, ड्रा सेकेंड पैरेलल सी ए। अब पैरेलल लाइंस बेटा बेसिकली वो लाइंस होती हैं जो आके आपके पास किसी पॉइंट पे कट ना करें, यानी कि मीट ना करें एक दूसरे को, उनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। यानी पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच कैन नॉट कट एट एनी पॉइंट पी, ज्वाइन पी सी। टेन पॉइंट आपके पास द ट्रायंगल पी बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये था आपके पास एक्सरसाइज नंबर, जो आपके पास थी एक्सरसाइज नंबर 17.3 जो कंप्लीट हुई। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 17.4 ये आपके पास डिलीट है, ये आपके पास अकॉर्डिंग टू एएलपी नहीं आ रही। 7.5 के आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। तो ये वाले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, ये वाली क्लास एंड होने में, तो हम पहले इसके रिव्यू एक्सरसाइज के जो के पास डेफिनेशन हो रहे हैं एमसीक्यू इंक्लूड हैं, पहले हम वो सॉल्व आउट कर लेते हैं। देन हम जो आपके पास नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह हम उसमें 17.5 डिस्कस करके अपना ये चैप्टर बुक ख़त्म करेंगे। तो आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। पहला पार्ट आपके पास दिया हुआ है आर ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट। बेटा आपको पता है कि ऐसे ट्रायंगल जिसके दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हों हम उसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। सेकंड है अ क्वाड्रिलेटर हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये बेटे टू है, ये टू 90 डिग्री इस कॉल्ड पैरेललोग्राम, हम उसको नहीं कहते, हम कहते हैं रेक्ट एंगल को, क्योंकि अगर मैं एक रेक्ट एंगल ड्रा करूँगा तो उसके सब साइड्स कितनी होंगी आपके पास 90 डिग्री ही होंगी। थर्ड आपके पास द राइट बाइसेक्टर ऑफ आर थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर डैश, तो वो होते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जो राइट बाइसेक्टर हमने ये एक्सरसाइज नंबर 17.2 में प्रूव भी किया था कि जो राइट बाइसेक्टर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देन आपके पास इसका 4 है द डैश एल्टीट्यूड ऑफ एन एसोसेलेस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो एल्टीट्यूड हमेशा दो उसके क्या होते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन इट्स डैश बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर पे होगा जो इक्वी डिस्टेंस, हमेशा जब आप एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हो किसी भी लाइन का तो वो उसको इक्वी डिस्टेंस में यानी कि पॉइंट्स को कन्वर्ट कर देता है। 6 आपके पास डैश डैश कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैन बी मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो 4 होगा बच्चे इसका। 7 है आपके पास द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर, तो जो डायगोनल से पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल कट ईच अदर इन अ रेशियो, जो मीडियन होते हैं वो आपके पास 2:1 में कट करते हैं, इसका सी ऑप्शन है। देन आपके पास 9 है ऑन वन एंगल ऑफ अ बेस ऑफ एन एसोसेलेस ट्रायंगल इज 30 डिग्री, जो एक एंगल आपको कहते हैं वो 30 डिग्री है। व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल्स, तो वर्टिकल एंगल्स उसके होंगे बच्चे 120 डिग्री के। देन आपके पास 10 है इफ़ द थ्री साइड्स ऑफ एन एल्टीट्यूड आर कॉन्ग्रुएंट, अगर तीन साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो आपको पता है उसको हम इक्विलेटरली
कहेंगे इसका ए पार्ट है, देन आपके पास 11 है। इफ मीडियंस, आई थिंक लाइट का इशू है, इफ टू मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्राइंगल्स विल बी, अगर टू मीडियंस कॉन्ग्रुएंट है तो आपको पता है हमेशा जिसके दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो हम उसको आइसोसेलस कहते हैं। ये था आपके पास एमसीक्यू। अब नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेशन, डिफाइन द इन सेंटर, आपने डिफाइन करना है सर्कमफेरेंस और ऑर्थो सेंटर और सेंट्राइड और पॉइंट ऑफ कॉन्कोरोगेंसी। तो आप बुक अपनी लास्ट पेज ओपन कर लें, देखें आप आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है कि आपके पास पेज नंबर 291 पे के इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं। तो आपके पास होते हैं द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन थी सर्कमफेरेंस ऑफ अ ट्राइंगल, द पॉइंट ऑफ कॉन्कोरोगेंसी ऑफ अ थ्री परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो आपके पास पेज 92 है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन थी ऑर्थोगोनल ऑफ अ ट्राइंगल, द पॉइंट ऑफ कॉन्कोरोगेंसी ऑफ अ थ्री एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ये थी आपके पास डेफिनेशंस। अब आपके आपने ये सारी डेफिनेशन अच्छे तरीके से घर से प्रिपेयर कर लेनी है। देन हमारा जो आपके पास जो लास्ट एक्सरसाइज रहेगी वो आपके पास रहेगी एक्सरसाइज नंबर 17.5, वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर इतना ही था, अब हम नेक्स्ट पीरियड में हाजिर होंगे। अल्लाह।